तब तो साहस, तुम हमारे महाराज के साक्ष खड़े होकर उन्हें ही उनका दरबार खाली करने का आदेश दे रहे। ये तो अच्छा है कि हम राजगुरु हैं, अपने साथ तलवार नहीं रखते, अन्यथा तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते। महाराज आपने मुझे अभय दान प्रदान किया है। महाराज ये गुरुवर आप शांत हो। जी महाराज। बाला आप किस आधार पर इस राज दरबार के स्वामित्व की बात कर रहे हैं? अपने दावे की पुष्टि हेतु आपके पास कोई प्रमाण है? अवश्य महाराज, है हमारे पास। महाराज। मंत्रीवर। जो आज्ञा महाराज। पंडित रामकृष्णा, पंडित रामकृष्णा। हाँ, क्या हुआ मंत्रीवर? अरे वहां देखिए, कदाचित आपका झुमका यहीं रह गया था। ए, रुको रुको। आप लोग तो वही है ना जो उस दिन मुझे। क्या हुआ पंडित रामकृष्णा? कुछ नहीं महाराज, कोई विशेष बात नहीं, कुछ नहीं। रात की यह मोहर भी लगी है और हमारे पिताश्री के हस्ताक्षर भी हैं। आपको ये अभिलेख प्राप्त कहां से हुआ? महाराज मैंने ये अभिलेख सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा देकर एक ग्वाले से क्रय किया है। उस ग्वाले के पिता को ये अभिलेख आपके पूर्व महाराजा ने पुरस्कृत किया था। एक बार वे आखेट से लौट रहे थे, उस मार्ग में उन्हें अत्यंत तृष्णा का अनुभव हुआ। उस ग्वाले के पिता उसी जंगल में गाय चरा रहे थे, उन्होंने महाराज को जल देकर उनकी तृष्णा को शांत किया। महाराज ने प्रसन्न होकर उससे पुरस्कार मांगने को कहा। उसकी कोई भी इच्छा ना व्यक्त करने पर पूर्व महाराज ने इस कोरे अभिलेख पर अपने हस्ताक्षर कर इस पर राजमुद्रा अंकित कर दी और उस ग्वाले को पुरस्कार में दे दी और उसे कहा कि उसकी जो भी कामना हो इस कोरे अभिलेख पर लिख दे, उसे वो वस्तु जरूर उपलब्ध करा दी जाएगी। महाराज उस ग्वाले के पिता ने उस कोरे अभिलेख का कोई प्रयोग नहीं किया, तो मैंने ये कोरा अभिलेख उस ग्वाले के पुत्र से खरीद कर इस पर आपका राजमहल लिख दिया। इस प्रकार इस राजमहल पर अब मेरा स्वामित्व है। परंतु पूर्व महाराज यानी महाराज के पिता श्री ने वो पत्र ग्वाले के पिता को दिया था, तुम्हें नहीं। उसके आधार पर जो भी मिलेगा वो ग्वाले के पिता को मिलेगा या ग्वाले को मिलेगा। पूज्य गुरुवर, सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं लेकर उस ग्वाले ने मुझे यह अवसर विक्रय किया है, इसलिए जो उस ग्वाले के पिता को या उसे मिलना था अब उस पर मेरा अधिकार है। कहाँ पे आ गए? अरे धनी, हम स्वर्ग लोक में आ गए। देख धनी, हमारे सामने इंद्र देवता अपने सिंहासन पर विराजमान है। अरे सुंदर अप्सरा, तनी नृत्य करके दिखाओ ना हमें। ये लो नृत्य। ये वही ठग है ना जिन्होंने हमारी गुरु माता को ठगा था? देख देख। हाँ हाँ हाँ, वही है बिल्कुल वही है। उत्तम अत्युत्तम, स्वर्ण के आभूषण कई गुना बढ़ जाएंगे ये झांसा दिखाकर, वो व्यर्थ का झोला चमत्कारी बताकर। किस कुशलता से तुमने हमारी गुरु माता के आभूषणों को पोटली में बांधा। क्षमा महाराज, क्षमा, ये मूर्ख है ना जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं। धनी मनी सत्य कह रहे हैं महाराज, यही वो तीनों ठग हैं जिन्होंने विजयनगर में उत्पात मचा रखा है।
इन्होंने गुरुवर के घर जाकर न केवल गुरु माता को ठगा, अपितु मेरे घर जाकर अम्मा और शारदा को भी ठगा है। और अब ये एक शासकीय अभिलेख बनाकर इस भरे दरबार में आपको ठगने का प्रपंच कर रहे हैं। आपके कहने का तात्पर्य क्या है पंडित रामकृष्ण? महाराज, पंडित रामकृष्ण के कथन में आंशिक सत्यता है। ये सत्य है कि हमारी भेंट गुरु माता वरुणमाला, देवी शारदा और अम्मा से हुई थी, परंतु हमें ठग कहकर पंडित रामकृष्ण अपनी ही त्रुटि को छुपाने का कार्य कर रहे हैं। आप सत्य कह रहे हैं बाला, त्रुटि तो मुझसे हुई है। आपको पकड़ने में मैंने थोड़ा सा विलंब कर दिया, अन्यथा आपको रंगे हाथों आपकी ठगी की सामग्री के साथ पकड़ता। महाराज, कल ये तीनों मेरे आवास में गए थे और इन्होंने बड़ी चतुराई से आभूषण की पोटली के स्थान पर लोहे के टुकड़ों की पोटली रख ली। सत्य है महाराज, इन्होंने हमारी धर्मपत्नी वरुणमाला को भी ऐसी ही चालाकी से ठगा। महाराज, बड़ी चतुराई से आभूषणों की पोटली को लोहे के टुकड़ों की पोटली में परिवर्तित कर दिया। महाराज, ना ही तो हमने कुछ बदला है और ना ही कोई चालाकी की। जो भी घटना हुई है ये कदाचित गुरुवर और पंडित रामकृष्ण की त्रुटि से हुई होगी। मैंने निर्देश दिए थे महाराज, इस स्वर्ण आभूषणों से भरी पोटली को प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात ही खोला जाए, परंतु ये अधीर हो गए होंगे और इन्होंने उससे पूर्व ही उसे खोल दिया होगा, इसीलिए सारे स्वर्ण के आभूषण लोहे में परिवर्तित हो गए। तो आपके कथानुसार ये हमारी त्रुटि है। चलिए, हम स्वीकार करते हैं, हम आपको अभी इसी क्षण स्वर्ण उपलब्ध करवाते हैं। आप उसे द्विगुणित करके दरबार में सबके समक्ष प्रदर्शित कीजिए। ये हम नहीं कर सकते। क्यों, पकड़े गए ना? नहीं गुरुवर, आप तो परम ज्ञानी हैं। हाँ। आपको तो इस बात का भली भांति ज्ञात होगा कि अंतरिक्ष के सारे ग्रह चलायमान हैं। वे परिक्रमा कर सौर मंडल में भ्रमण कर रहे हैं। ज्ञात है ना आपको इस बात का? अवश्य ज्ञात है, सब कुछ ज्ञात है। तो आपको इस बात का भी ज्ञात होगा कि सारी घटनाओं का समय पूर्व निर्धारित है। हाँ अवश्य, सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। हमसे क्या छुपा महाराज, कुछ भी नहीं छुपा है। तो फिर इस बात का भी ज्ञात होगा कि मंगल ग्रह का प्रभाव धातु पर सर्वाधिक होता है। हाँ, होता है। इसी प्रकार स्वर्ण आभूषणों के गुणनफल का समय भी पूर्व निर्धारित है, जो कि अब व्यतीत हो चुका है। आज से ठीक 12 वर्ष पश्चात ही ये स्थिति पुनः निर्मित होगी। अगर आप 12 वर्ष प्रतीक्षा कर सके तो हम ये प्रयोग आपके सामने फिर से प्रदर्शित कर सकते हैं। महाराज, बाला महाशय के तर्क उपयुक्त प्रतीत होते। गुरुजी, ये कपटी आपको फंसाना है। आपके सारे स्वर्ण के आभूषण लूट के ले गया है, कुछ कीजिए। पंडित रामकृष्ण, ये है वो रसायन देवी शारदा और अम्मा के आभूषणों को चमकाने में प्रयुक्त किया और समाप्त हो गया। ये रसायन हिमालय पर्वत पर मिलता है। अगर आप हमारे साथ हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान करें, पूर्णमासी की रात को हम आपको ये चमत्कार कर दिखा सकते हैं। महाराज, ये महाराज, आप तो सत्य के लिए प्रायुक्त, सत्य का सदैव अनुसरण करते हैं। इसके पश्चात भी जो भी आपका निर्णय होगा वो हमें स्वीकार होगा। हम जानना चाहते हैं कि इस विषय में हमारे सभासदों की क्या राय है। गुरुवर, महाराज बाला का जो भी कथन हो, परंतु इसने दरबार में उपस्थित होने का और भरे दरबार में आपसे राजमहल की मांग करने का अपराध किया है, इसलिए दंड का भागीदार है। पंडित रामकृष्ण, इस विषय में आपका क्या परामर्श है? महाराज, मेरे परामर्श से तो
ये राजमहल इन्हें दे देना चाहिए, यही न्याय होगा। पंडित रामकृष्ण, मति भ्रष्ट हो गई आपकी, ये क्या अनर्गल परामर्श दे रहे हैं महाराज को? गुरुवर, महाराज ने सदैव अपने कर्तव्यों का पालन किया है और मेरी अभिलाषा तो यही है कि न्याय की यह परंपरा सदैव बनी रहनी चाहिए। बाला महाशय के पास पूर्व महाराज अर्थात महाराज के पिताश्री के हस्ताक्षर युक्त राज चिन्ह अंकित अभिलेख हैं। तो महाराज को अपने पूर्व महाराज के द्वारा दिए गए वचन की मर्यादा का सम्मान रखना चाहिए और उस वचन के अनुरूप ये राजमहल इन महाशय को सौंप देनी चाहिए। ये अनुचित है महाराज, ये अनुचित है, ये अनुचित है। शांत शांत हो जाए सर। हम पंडित रामकृष्ण के परामर्श को स्वीकार करते हैं। हमें यह भली भांति ज्ञात है कि आप एक ठग हैं और यहां हमारे राज दरबार में हमें ठगने के प्रयोजन से उपस्थित हैं, परंतु तुलवा वंश ने सदैव अपनी प्रजा के समक्ष न्याय का उदाहरण प्रस्तुत किया है और आज भी हम वही करेंगे। हमारे पिताश्री के दिए गए वचन के अनुरूप हम ये महल बाला को प्रदान करते हैं। परंतु इस राजमहल को स्वीकार करने से पूर्व आपको एक शर्त भी स्वीकार करनी होगी, यदि महाराज की आज्ञा हो तो। अनुमति है पंडित रामकृष्ण। हमारी एक ही शर्त है बाला, ये राजमहल विजयनगर साम्राज्य की धरोहर है, इसकी मर्यादा आन बान अक्षुण रखना आवश्यक है। तो आपको हमें आश्वस्त करना होगा कि आप इसकी देखभाल और संरक्षण उचित प्रकार से करेंगे, क्योंकि इसका उत्तरदायित्व भी राजमहल के साथ ही जुड़ा है। और स्मरण रहे बाला, इस कार्य में कोई त्रुटि ना हो। आप आश्वस्त हो महाराज और निश्चिंत होकर ये राजमहल हमें सौंप दे। महामंत्री जी। महाराज उचित है, महाराज हम राजमहल के हस्तांतरण की व्यवस्था करते हैं। महाराज के नवीन आवास की व्यवस्था के लिए आपको हमें थोड़ा समय प्रदान करना होगा। उचित है महामंत्री जी, आप अपना समय लें। महाराज कृष्ण देव राय की जय। 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 बहुत मूर्खतापूर्ण कार्य किया है तुमने। महाराज कृष्ण देव राय की जय। महाराज कृष्ण देव राय की जय। पंडित रामकृष्ण, अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान और चालाक समझते हैं ना आप। देखा, भरे दरबार में सभी के समक्ष हमने महाराज को उनके पूरे परिवार सहित राजमहल से निष्कासित कर दिया और राजमहल हत्या लिया, और आप असहाय हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आशा करता हूं हमारी कलाकारी का एक छोटा सा उदाहरण आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है बाला महाशय, आप महाराज की इस राजसी संपत्ति की उचित देखभाल करने में सक्षम होंगे और इसका संरक्षण वैसे ही करेंगे जैसे अब तक महाराज करते आए हैं। आप निश्चिंत रहिए। ये क्या अनर्थ किया रामा, महाराज को परिवार सहित राजमहल से निष्कासित करवा दिया। तू विशेष परामर्शदाता है महाराज का, परंतु तूने बाला का पक्ष लिया, क्यों? मैं विवश हूँ बंधु, परंपरा है, न्याय है। तूने महाराज का साथ छोड़ बाला का लाभ करवा दिया। रामा तू अवश्य एक दिन मुझे भी धोखा देगा, मुझे भी इसी प्रकार किसी बाला को सौंप देगा। तू मेरा मित्र नहीं है, नहीं है तू मेरा मित्र। बंधु धैर्य रख। महाराज जब आप
नवीन महल का निर्माण कराएंगे ना, तो हमारा कक्ष रसोई घर के पास ही बनाइएगा, हमें सुविधा होगी। अवश्य ऐसा ही होगा। और हाँ महाराज, रसोई घर में ना एक चूल्हा अतिरिक्त बनाइएगा, ताकि हमें अपने हाथों से नवीन महल में नवीन नवीन व्यंजन बनाने में सुविधा होगी। अच्छा, फिर तो हमें असुविधा हो जाएगी। क्या? अर्थात आप हमारे लिए अपने हाथों से विशेष व्यंजन बनाएंगी, इतना श्रम करेंगी तो हमें कष्ट होगा, और कष्ट होगा तो असुविधा भी होगी। महाराज, आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं। महारानी चिन्ना देवी, आप तो वहाँ बैठे बैठे हंस रही हैं। आपको अपनी सामग्री एकत्रित नहीं करनी है क्या? जी नहीं। अर्थात हम समझ गए। क्या समझ गए छोटी महारानी? यही कि आप कोई भी पुरानी सामग्री नहीं ले जाना चाहती, आप नवीन महल में सिर्फ नवीन सामग्री ले जाएंगी। हम ही मूर्ख है ना, या व्यर्थ में श्रम कर रहे हैं? महाराज, हम भी कोई भी पुरानी सामग्री नहीं ले जाएंगे, हमें भी नवीन महल में सिर्फ नवीन सामग्री ही चाहिए। हाँ, उचित है, अत्यंत उचित है। परंतु छोटी महारानी, आप अपनी वे वस्तुएं तो सहेज लीजिए जो आपको अत्यधिक प्रिय है, ना उनका भी त्याग कर देंगी आप? बड़ी महारानी जी, आपने अपनी प्रिय वस्तु सहेज ली है ना? हमारी प्रिय वस्तु? हमारी प्रिय वस्तु तो हमारे नेत्रों के समक्ष है। ये अलमारी आपकी प्रिय वस्तु है? महारानी चिन्ना देवी, आप भी ना। अच्छा महारानिया, आप अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं समेट लीजिए, हम भी चलते हैं अपने कक्ष में और अपनी प्रिय वस्तुएं एकत्रित करते हैं। चलते प्रिय वस्तु एकत्रित। देखिए चंद्रिका जी, अब आप राजमहल में निवास नहीं कर पाएंगी, तो कहिए कब पधार रही हैं आप हमारे आवास पर? क्यों, किस प्रयोजन से? अब हमारा तात्पर्य है, क्योंकि अब ये राजमहल महाराज का तो है नहीं, तो आप हमारे निवास पर आवास कर सकती हैं, यदि आप उचित समझे तो। हम महारानी की प्रसादिका है, वो जहाँ निवास करेंगी वहाँ हम भी निवास करेंगे। उचित। अरे आप कहाँ आ रहे हैं? ओ हाँ, हम तो महाराज से भेंट करने जा रहे हैं, संभवतः मार्ग भटक गए, आप हमारे साथ आइए ना महाराज के पास, हम महाराज से बात करके आपके निवास की व्यवस्था करवा लेते हैं। जी आचार्य जी, हमारा वहां जाना उचित नहीं है, वैसे भी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं, कैसे नहीं है? हम है ना राज पुरोहित तथा आचार्य, सैनिकों ये हमारे साथ जाएंगे, इन्हें हमारे साथ आने दो। नहीं नहीं, आप पधारिए, हमें वैसे भी महत्वपूर्ण कार्य है। प्रणाम। चलिए चलिए चलिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरु। महाराज, हमें अत्यंत खेद है, आपका विशेष सलाहकार होने के पश्चात भी पंडित रामाकृष्ण ने बाला को राज। प्रणाम महाराज। प्रणाम पंडित रामाकृष्ण मंत्रीवर। महाराज, बाला और उसका परिवार राजमहल में प्रवेश कर चुका है। अद्भुत। हमारी अभिलाषा है कि उनके स्वागत सत्कार में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। महाराज, आप उसकी तनिक भी चिंता ना करें महाराज, उनके आदर सत्कार की सारी व्यवस्था हमने संपन्न कर ली है। संपन्न कर ली? इतना शीघ्र? जी महाराज, आज्ञा दें। अवश्य। गुरुजी, गुरुजी प्रतीत होता है कि पंडित रामकृष्ण महाराज और महामंत्री के साथ मिलकर फिर से कोई योजना बना रहे हैं, और आपको आपको इस संबंध में कुछ भी कहना नहीं है। गुरुजी, आप तो राज्य के महागुरु हैं, और आपको इस कार्य में सम्मिलित करने योग्य नहीं समझा गुरुजी। अपमान। महाराज प्रणाम। गुरुवर संभल के जाइए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.